सो अगर आप मुझसे पूछोगे कि जेन्युइन फीडबैक कि ये दोबारा बनाएंगे, नहीं नहीं बनाने वाला हूँ इसको मैं दोबारा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे, हमारे वीडियोस देख रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, लाइक कर रहे होंगे, सब्सक्राइब कर रहे होंगे। सो आप सोच रहे हो मैं ऐसे क्यों बैठा हूँ? बिकॉज गाइस आज मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रहा हूँ। आरपी भी ऑफिस चली गई है एंड मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो मैं लेके आ गया हूँ एक कुकिंग व्लॉग। सो आज जो मैं बनाने वाला हूँ वो है ड्राई फिश। मैंने आई थिंक मटन पाया वाला रेसिपी मैं ऑलरेडी आपको बताया था, बिकॉज कि मुझे ये अटपटा जितना भी आइटम्स है जो आरपी कभी नहीं खाने वाली है वो मुझे ट्राई करना है। सो ड्राई फिश इज़ वन ऑफ देम। सो मैं लेके आ गया हूँ ड्राई फिश, और ये फ़िश का नाम है लार्ज पोनी फिश। मैं भी फर्स्ट टाइम इसका नाम सुना, फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाला हूँ। इनफैक्ट ड्राई फिश मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करने वाला हूँ। सो पता नहीं कैसा बनेगा। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं पूरा प्रोसेस। और मैंने ये ऑर्डर किया था फ्रेश टू होम से, सो उनका 90 मिनट्स डिलीवरी में आ गया था। इनफैक्ट मैंने इसको कल ही ऑर्डर कर लिया था सेफ साइड, बिकॉज एक बार मेरा थोड़ा ख़राब एक्सपीरियंस रहा है। अगर आप हमारा वीडियोस फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा कि थोड़ा लेट हो गया था खाना आने में और मेरा मसाला ऑलमोस्ट जल गया था। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एंड क्वांटिटी है ये 120, सो अराउंड 240 ग्राम्स है। और इसको बना के मैं ही खाने वाला हूँ, बिकॉज आरपी ये कभी नहीं खाएगी। एंड ड्राई फिश के लिए बोला जाता है कि वो बहुत ज़्यादा स्मेल करता है, तो एक बार ट्राई करते हैं। सही में एकदम मस्त बकवास सा स्मेल है इसका, बट आई होप कि ये बनने के बाद अच्छा स्मेल करे, अदरवाइज ये पूरा एक्सपेरिमेंट वेस्ट हो जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम थोड़ा सा गर्म पानी लेंगे, और बिकॉज ये ड्राई सॉल्टेड, ड्राई एज्ड सॉल्टेड फिश है, तो इसको हम गर्म पानी में थोड़ा सा वॉश कर लेंगे। पहले इसको 5-7 मिनट थोड़ा गर्म पानी में रहने देंगे, उसके बाद फिर ये जितना ये सॉल्ट लगा हुआ है इसके ऊपर वो सब हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे। 5 मिनट इसको रहने देते हैं। सो ये जब तक इसमें क्लीन हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो आई थिंक यही वो सॉल्ट सॉल्यूशन है जिसमें इसको ड्राई एज किया जाता है। ये 120 ग्राम का पैकेट था और आई डोंट थिंक ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। मुझे दोनों पैकेट का इंक्लूडिंग डिलीवरी चार्जेस 320 रुपीज़ पड़ा। सो 320 रुपीज़ फॉर 250 ग्राम्स, ओके हाँ या थोड़ा एक्सपेंसिव है। बट एक बार ट्राई करने के लिए ठीक है, कभी भी फिश मार्केट जाते हैं या कोई सी बीच साइड तो आप देखोगे, मतलब जो स्ट्रीट सेलर्स, जो सेलर्स होते हैं वो इसको लेके बैठते हैं, तो ये नो डाउट स्मेल तो काफ़ी करता है। बट एक बार मतलब मन में हमेशा रहता है ना यार ये टेस्ट करने में कैसा लगता होगा, सो एक बार ट्राई कर लेते हैं आपके लिए, फिर आपको बताएंगे इसका टेस्ट कैसा है, आपको ये ट्राई करना चाहिए कि नहीं। सो ये अब इसको कोल्ड वाटर नॉर्मल वाटर में इसको क्लीन कर लेंगे। आई होप ये बहुत ज़्यादा स्मेल नहीं करे बनाने टाइम, वरना मेरे नेबर्स मुझे आके बहुत मारने वाले हैं। सो अभी हम क्या करेंगे, इसको फ्राई करने के लिए इसमें थोड़ा पानी लगा हुआ है, सो ये किचन टॉवल से इसका पानी हम जितना हो सके निकालने का ट्राई करेंगे। इसमें कुछ मसाला ऐड करेंगे,
बहुत बेसिक सा हल्दी नमक एंड रेड चिली पाउडर. तो ये हल्दी रेड चिली पाउडर, ये प्रॉपर रेड चिली पाउडर है, कश्मीरी लाल मिर्च नहीं. एंड सॉल्ट. अब बिकॉज ये ड्राई भी इसको सॉल्ट में ही किया जाता है, सो मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं डालूंगा और मैं फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ ना. सो थोड़ा सा इसमें मस्टर्ड ऑयल भी डाल देंगे. सो अब हम इसको जो अपना ट्रेडिशनल वे है वैसे बनाएंगे. इसको पहले फ्राई कर लेंगे. इसके लिए मैंने पैन गैस पे रख दिया है. पैन गरम हो गया है. लेट्स पुट सम मस्टर्ड ऑयल. आई थिंक इतना काफ़ी रहेगा. आप चाहें तो इसे फ्राई नहीं भी कर सकते हैं. जो फ्राई करने वाला प्रोसेस आप स्किप कर सकते हो. चलो सो तेल गरम हो गया है. फिश को ऐड करते हैं. फिंगर्स क्रॉस्ड. देखने में तो अच्छा लग रहा है. स्मेल मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा कर रहा था. सो फिश तो फ्राई हो गया. अभी इसका ग्रेवी का हम प्रेपरेशन कर लेते हैं. इसके लिए कढ़ाई को गैस पे रख दिया. इसको गर्म होने का वेट करते हैं. फिर इसमें थोड़ा मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे. काफ़ी होगा. सो तेल गर्म हो गया है. इसमें अभी हम अनियन ऐड कर देंगे. मैंने एक बड़ा साइज़ का अनियन लिया और एक मीडियम साइज़ का. तो बड़ा साइज़ वाला तो मैंने यहाँ पर डाल दिया. मीडियम साइज़ वाला मैं उसको मैं पीस कर ऐड करूँगा. सो प्याज फ्राई हो गया है. अभी इसमें हम जिंजर गार्लिक अनियन और ग्रीन चिली का पेस्ट ऐड कर देंगे. अब इसमें ऐड कर देते हैं मस्टर्ड पेस्ट. सो मसाला तो अच्छे से फ्राई हो रहा है. अभी इसमें हम बाकी ड्राई मसाला ऐड कर देते हैं. स्टार्टिंग विथ हल्दी, धनिया पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, जीरा पाउडर एंड सॉल्ट. सो मसाला फ्राई हो गया है. इसमें अब हम टमाटर पेस्ट ऐड कर देते हैं. सो अभी आप साइड साइड देख सकते हो तेल बाहर आ गया है, विच मीन्स मसाला पूरा फ्राई हो गया है. अब इसको 2 मिनट और रखते हैं और फिर इसमें पानी ऐड करेंगे. सो मैं इसमें गर्म पानी ऐड कर रहा हूँ. आप चाहे तो नॉर्मल वाटर भी ऐड कर सकते हैं. ऐसा कोई डिश का रिक्वायरमेंट नहीं है कि इसमें गर्म पानी ही ऐड करना है. अब पानी में बॉयल आने का वेट करेंगे, फिर फिश को इसमें ऐड कर देंगे. पानी में बॉयल आ गया है. अब टाइम है फिश को ऐड करने का. सबसे पहले सबसे छोटे फिश को ऐड करते हैं. आप मुझे कमेंट से बताना ये फिश कभी आपने ट्राई किया है क्या. आई मीन नॉट द ड्राइड वर्जन, बट जो रेगुलर फिश होता है
5 मिनट इसको और पकाएंगे एंड फिर गैस बंद कर देंगे और 5 मिनट इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। और सरप्राइजिंगली आज मेरे पास कोरिएंडर लीव्स भी है, हर बार नहीं रहता है जब भी मैं कुक करता हूँ, बट इस बार है, सो वो भी ऐड करेंगे। सो फिश इज़ रेडी, लेट्स ऐड कोरिएंडर लीव्स। अब गैस बंद कर देते हैं और इसको 5 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। 5 मिनट हो गया है, अब इसका प्लेटिंग कर लेते हैं। स्मेल तो अच्छा आ रहा है यार, वो ड्राई फिश वाला स्मेल एकदम चला गया है। अब इसको टेस्ट करके आपको बताता हूँ। चलो अब इसको टेस्ट करके बताते हैं कैसा है। पहले ग्रेवी टेस्ट करता हूँ। ग्रेवी अपना नॉर्मल फिश ग्रेवी है, बस थोड़ा तीखा ज़्यादा हो गया, मैं एक्साइटमेंट में मिर्ची थोड़ा ज़्यादा डाल दिया। अब फिश गर्म है थोड़ा, मिर्ची थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। स्मेल तो चला गया, बिकॉज ऑफ कोर्स आप कुक कर दिया तो स्मेल तो रहेगा नहीं। अभी भी बहुत ज़्यादा सॉल्टी है, सो आई गेस कि मुझे एक्स्ट्रा सॉल्ट मतलब नहीं ऐड करना चाहिए था। सो गाइज, ऑनेस्ट फीडबैक, मेरा चैनल है, मैंने ये बनाया इसलिए मैं नहीं आपको बोलूँगा कि हाँ बहुत अच्छा बनाया, कुछ एवरेज है। इन द सेंस कि फिश का जो फ्लैश है वो अभी भी बहुत ज़्यादा ये है, कड़ा है, टाइट है। सो हो सकता है मैंने अच्छे से कुक नहीं किया हो या कुछ भी, बट आई विल नॉट रिकमेंड कि आप ये फिश ट्राई करो। मे बी रॉन्ग चॉइस ऑफ फिश, कुड बी एनीथिंग, बट ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। ग्रेवी अच्छा है बिकॉज नॉर्मल फिश को अपन जैसे बनाते वैसे मैं बनाया, बट फिश इज नॉट गुड। सो गाइस, पहली बार एक ख़राब कुकिंग एक्सपीरियंस हुआ, बट अगेन एक्सपीरियंस के साथ ही आप लर्न करते हो। मैं गिव अप नहीं करने वाला हूँ ड्राई फिश पे, मैं और कुछ रिसर्च करूँगा, देखूँगा भाई मुझसे क्या गलती हुआ, मैं फिर से उसको बनाऊँगा और इस बार जब अच्छा बनेगा तब आपके संग शेयर करूँगा। और हाँ, मैं फिर भी भूखा नहीं रहा बिकॉज आरपी ने वो खाना बना के ऑफिस गई थी, पता नहीं उसको शायद आइडिया हो गया था कि मुझसे ये बकवास बनने वाला है। सो शी इज़ अ लाइफ सेवर, बच गया मैं। चलो कोई नहीं, एक ख़राब एक्सपीरियंस हो जाता है। अगर आपके पास ड्राई फिश का अच्छा कोई रेसिपी है जो आपने ट्राई किया हो और वो अच्छा बना हो, आप प्लीज़ हमारे संग शेयर करना और उसको हम अपने चैनल में दिखाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।